सभी को मेरा प्रणाम। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मित्रों, आज शरीर की कमजोरी को दूर करने वाले एक ट्री की चर्चा करेंगे जो कफ और पित्त दोनों का शमन करता है, ग्रीविया लेविगेटा। ग्रीविया लेविगेटा, इसके सुंदर फूल आप देख रहे होंगे साथियों। मालवेसी कुल का ये प्लांट है, रफ इसके लीव्स हैं साथियों। इसकी छाल में से रेजिनस मैटर निकलता है और इसकी छाल को रात को भिगो देना चाहिए पानी में और सुबह उसको पी लेना चाहिए। शरीर में मिनरल्स की कमी को पूरा करने का कार्य करता है, पित्त का शमन करता है, हार्मोन को रेगुलेट करता है, फर्टिलिटी को बढ़ाने का कार्य करता है, विनरल डिसीज़ में विशेष उपयोगी है। साथियों, शरीर में मिनरल्स की कमी के कारण इन्फ्लामेशन हो जाना या ब्लड सर्कुलेशन का कम होना और कई बार साथियों सोडियम की कमी भी अगर हो जाती है तो उसको भी पूरा करने का कार्य करता है। सोडियम की कमी के कारण हमारे शरीर के एंजाइम्स डिसरेगुलेट हो जाते हैं और इनके कारण अगर ये परिस्थिति बढ़ जाती है तो मूर्छा भी आ जाती है, नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम का तालमेल बिगड़ जाता है। जनरली ऐसा वीकनेस के कारण होता है या फिर वृद्धावस्था के कारण ऐसा होता है। तो वृद्धावस्था के कारण अगर सोडियम की कमजोरी शरीर में हो गई है या शरीर की वीकनेस के कारण ऐसा हो गया है तो इसकी छाल को आप भिगोइए और सुबह खाली पेट इसका आप पी लीजिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि सभी प्रकार के मिनरल्स की कमी दूर हो जाती है। अगर ब्लड डिसऑर्डर्स हों वो भी ठीक हो जाते हैं। मित्रों, अगर सूजन हो गई है तो पत्र की पुल्टिस बांध देनी चाहिए, पत्र का काढ़ा बनाकर पीना चाहिए। साथियों, कई बार पित्त और कफ का समन्वय इतना बिगड़ जाता है कि नाक से ब्लड आना लग जाता है, जिसको एपिस्टैक्सिस कहते हैं। एपिस्टैक्सिस की समस्या भी इससे दूर होती है। मुंह से अगर ब्लड आ गया है, हिमेटेमिसिस बोलते हैं, उसको भी ये ठीक करता है। आपको इसके पत्र का डिकॉक्शन दिन में 2 से 3 बार पीना चाहिए। सभी प्रकार की एपिस्टैक्सिस की समस्या और मुख से आने वाले ब्लड की समस्या दूर हो जाती है। मित्रों, इसकी छाल, इसके फूल का आप इन्फ्यूज़न बनाकर रख सकते हैं। माइग्रेन का पेन हो तो इसकी इन्फ्यूज़न से आप अपने फोरहेड पे लगाइए, आप देखेंगे कि चमत्कारी तरीके से माइग्रेन का पेन एकदम गायब हो जाता है। आपको इसका इन्फ्यूज़न कैसे बनाना है, आप 50 मिलीलीटर अच्छे से गर्म पानी कर लीजिए और करीब 10 ग्राम इसके फूल इकट्ठा करके डाल दीजिए। ठंडा होने के बाद कांच के बोतल में आप उसको भर लीजिए। माइग्रेन का पेन होता है तो फोरहेड पे आप लगाइए, माथे पे लगाइए, चमत्कारी तरीके से माइग्रेन का पेन ठीक हो जाता है। इसका आप सेवन भी कर सकते हैं, काफ़ी टेस्टी होता है, अच्छी खुशबू इसके अंदर आती है और आप देखेंगे कि शरीर के सभी मिनरल्स की कमी को पूरा करते हुए हॉर्मोन्स को रेगुलेट करने का कार्य करता है और पित्त और कफ से जुड़ी हुई बीमारियों का इलाज करता है। शरीर में अगर कमजोरी हो गई हो, फर्टिलिटी की समस्या हो तो वो भी ठीक हो जाती है। समान अवस्था में पत्र, छाल और फूल, क्योंकि फूल हर मौसम में नहीं रहते हैं, मई से लेकर जून तक के महीने में रहते हैं, इसके बाद फूल नहीं मिलेंगे, तो आप इसकी छाल और इसके पत्र का डिकॉक्शन बनाकर सेवन कर सकते हैं। हाईली इफ़ेक्टिव मेडिसिनल प्लांट है, शरीर की कमी को पूरा करते हुए बार बार होने वाले बुखार, शरीर के वाइटल ऑर्गन्स को पोषण देने का कार्य करता है, फ्री रेडिकल स्पेंजिंग की एक्टिविटी होती है, स्ट्रोक से भी हमें बचाता है। फ्री रेडिकल स्पेंजिंग एक्टिविटी के कारण जो टॉक्सिन शरीर से नहीं निकलते हैं उनको निकालते हुए ब्लड की कंसिस्टेंसी को मेंटेन करते हुए एंटीऑक्सीडेंट पोटेंशियल के कारण स्ट्रोक की समस्या को पूरी तरह से दूर करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने नहीं देता है, पूरी तरह से इफ़ेक्टिव है, सेफ है, बेटर है और कफ और वात से जुड़ी हुई 90% जो डिसऑर्डर्स हैं वो एकमात्र इसी प्लांट से कंट्रोल हो जाते हैं। रोड साइड आपको देखने को मिल जाता है,
न्यूट्रासूटिकल है और टॉक्सिन्स को रिमूव करने वाला है, इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला है। और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे कमेंट के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से या टेलीफोन के माध्यम से कम्युनिकेट कर सकते हैं। मित्रों, जाते जाते इतना ज़रूर बताना चाहूँगा, आपके क्षेत्र में इस प्लांट को किस नाम से जाना जाता है, किस तरह से इसका उपयोग करते हैं, ये भी हमसे साझा कीजिए, ताकि ये जो जानकारी है इसको हम कंजर्व कर सकें आने वाली जनरेशन के लिए। और कटिंग के माध्यम से इसका प्रोपेगेशन किया जाता है। इस प्रकार से सुबह 6:30 बजे कल फिर मिलेंगे एक नए प्लांट के साथ, नए समाधान के साथ, मंगल कामनाओं के साथ। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।